तो दोस्तों इसको आप स्पेसशिप बोल लीजिए, सुपर कार बोल लीजिए, या दूरबीन के डिजाइन के आप ईयरबड्स का केस बोल लीजिए, वैसा लुक एंड फील दिया गया इस केस के थ्रू। और इसके बैक साइड में दो टाइप सी के चार्जिंग पोर्ट दिए गए हैं, और यहाँ पर बाय चांस दोनों से ही चार्ज करके देखेंगे तो क्या हाल है दोस्तों आप लोगों के। आप लोगों की रिकमेंडेशन से हम लोगों ने यहाँ पे परचेज कर लिए हैं बोल्ट ऑडियो एस्ट्रा गेमिंग ट्रू वायरलेस ईयरबड्स, और मैंने इसको 1100 रुपए में परचेज किया था जब ये लॉन्च हुए थे। अब इसका प्राइसिंग बढ़कर शायद 1300 रुपए के आसपास हो चुका है, और यहाँ पर इसमें आपको डेडिकेटेड गेमिंग मोड मिलने वाला है, चार माइक्स का सेटअप मिलेगा, और जो लुक एंड फील दिया गया वो भी काफी अतरंगी दिया गया है। बाकी इसका आउटपुट कैसा है, बॉक्स के अंदर कंटेंट क्या है, इसकी बिल्ड कैसी है, कितना जस्टिफाई करता है प्राइस पॉइंट के हिसाब से, आप खुद ही देख लीजिए, सारी टेस्टिंग देख लीजिए, एंड तक पॉसिबल से डिसाइड कर लीजिए कि इसको आपको ऑप्शन में रखना चाहिए कि नहीं। सो होप यू लाइक दिस वन, एंड इफ यू न्यू टू आवर चैनल काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल, हिट द लाइक बटन, कमेंट, शेयर एज मच एज पॉसिबल, सो वी कैन मेक मोर गुड स्टफ फॉर यू ऑल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो कर लेते हैं शुरुआत इसकी अनबॉक्सिंग के साथ। तो यहां पर आपको बोल्ट ऑडियो एस्ट्रा गेमिंग ट्रू वायरलेस ईयरबड्स का ऐसे बिल्कुल आपको बढ़िया सा बॉक्स मिलने वाला है ब्रांड की तरफ से, और ये मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है, बढ़िया इनिशिएटिव। बैक साइड में काफी फीचर्स मेंशन किए गए, सब डिटेलिंग में आगे चेक किए जाएंगे। इसको करेंगे क्विकली अनबॉक्स। सबसे पहले आपको मिलने वाला है यहाँ पे एक एक्सटेंडेड वारंटी कार्ड, यहाँ से आप वारंटी क्लेम कर सकते हैं। एक यूजर मैनुअल मिल जाएगी, इसको आप चाहे तो चेकआउट कर सकते हैं, सारी आपको डिटेलिंग मिल जाएगी यहाँ पे। और यहाँ पर आपको सैफ बाबा की तरफ से एक्स्ट्रा आपको कूपन कोड मिलने वाला है, चाहे तो अप्लाई कर सकते हैं। एक एडिकेट लेंथ आपको टाइप सी की चार्जिंग केबल मिलेगी टू चार्ज योर केस, एक्स्ट्रा ईयर टिप्स के साथ अपने कानों के साइज के हिसाब से यूटिलाइज कर पाएंगे। बात करेंगे मेन प्रोडक्ट की, दिस इज द केस यू विल बी गेटिंग, और यहां पर आप देख सकते हैं थोड़ा अलग लुक एंड फील का, इसको आप स्पेसशिप बोल लीजिए, सुपर कार बोल लीजिए, या आप दूरबीन बोल लीजिए, वैसा आपको लुक एंड फील का पूरा आपको मैट फिनिश का केस मिलने वाला है। इधर आपको बोल्ट ऑडियो की ब्रांडिंग मिल जाएगी, फ्रंट में आपको ऐसे यहाँ पे ग्लास फिनिश दिया गया, इसमें हल्की हल्की लाइट्स भी जलती हैं, और ऐसे कोई बटन नहीं है। बैक साइड में आप देख सकते हैं आपको दो टाइप सी के पोर्ट दिए गए, पता नहीं क्यों दिए गए हैं, ये मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि मैंने दोनों से ही चार्ज करके देखा था, दोनों से ही यहाँ से चार्ज हो रहे थे वन बाय वन, दोनों ला के देखा तब भी चार्ज हो रहे थे, मुझे समझ में नहीं आया कि ये डिजाइनिंग क्यों दी गई आखिर, मतलब ये क्वेश्चन मार्क है। बोल्ट ऑडियो से मैं पूछना चाहूंगा ऐसी डिजाइनिंग क्यों दी गई है, आपको पता चल जाए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और जो बिल्ड दी गई बिल्ड यहाँ पे आपको सही मिलने वाली, बहुत ज्यादा प्रीमियम भी नहीं बोल सकते, नहीं खराब बोल पाएंगे, यहाँ पे आपको डिसेंट प्लास्टिक क्वालिटी मिलने वाली है, और थोड़ा सा बोल सकते बल्कि आपको केस दिया गया है, पॉकेट में कैरी करने में थोड़ा बहुत मोटापन लग सकता है, लेकिन इसको आप बैग में कैरी करते हैं, कहीं भी कैरी करेंगे उस पर्पज के इसको आप चेकआउट कर सकते हैं। और केस को आप ओपन करेंगे दोनों ही बट्स प्रॉपरली पैक भी, और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो लाइट्स का इफेक्ट है, ब्रीदिंग आपको लाइट का इफेक्ट मिल जाएगा, ऐसा लुक एंड फील प्रोवाइड किया गया है, गेमिंग ईयरबड्स का लुक एंड फील प्रोवाइड कर रहा है। और प्रॉपर आपको मैग्नेट्स मिलने वाले हैं, दोनों ही ईयरबड्स में गिरते नहीं है केस के अंदर से, लेकिन जो केस का लॉक है थोड़ा बहुत मेरे हिसाब से प्रॉमिसिंग लॉक देना चाहिए था, हिंजेस को लेकर मेरे को थोड़ा बहुत यहाँ पे डबका लग रहा है, आप बोल सकते हैं आपको केयरफुली यूज करना पड़ेगा इसको, आप इधर उधर फेंकिएगा नहीं, थोड़ा बहुत यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी को लेकर मेरे लगा हल्का फुल्का बेटरमेंट होना चाहिए था इसके हिंजेस पार्ट को लेकर। और बर्ड्स आपको मिलने वाले हैं स्टैम शेप के, ऐसे आप बोल सकते हैं जादुई छड़ी की तरह आपको लुक एंड फील के बर्ड्स मिल जाएंगे, इसमें भी लाइट्स का कॉम्बिनेशन दिया गया है, गेमिंग ईयरबड्स का लुक एंड फील प्रोवाइड करते हैं, मैट फिनिश और ग्लॉसनेस का कॉम्बिनेशन दिया गया है, लुक एंड फील सही दिया गया है बर्ड्स को लेकर, मुझे कोई दिक्कत नहीं लगी। और अगर हम फिटिंग की बात करेंगे, फिटिंग इसकी आपको वैसे सही मिलने वाली है, लेकिन ये कानों को पूरा प्रॉपर तरीके से पैक नहीं करते हैं, पैकिंग तो आपको सही मिल जाएगी लेकिन आप बोल सकते हैं बाहर के एक्टिविटीज भी आपको थोड़ी बहुत पता चलेंगी, 60% तक आपको बोल सकते हैं कि कैंसिल करता है नॉइस, लेकिन 30-40% बाहर की एक्टिविटीज कैच कर लेगा बैकग्राउंड की, मतलब पूरा कानों को प्रॉपर तरीके से पैक नहीं करता है, लेकिन फिटिंग आपको सही मिल जाएगी। आप एक्टिविटीज करना चाहते हैं, वर्कआउट्स करते हैं, मैंने काफी कोशिश की हुई है, प्रॉपर ईयरकप्स लगाएंगे, कानों से नहीं गिरते हैं वैसे ही, फुल टच कंट्रोल्स के साथ ही आते हैं, और साथ ही में इसमें आपको इंस्टेंट वेक एंड पे टेक्नोलॉजी मिल जाएगी, अगर आप ऑलरेडी कनेक्शन एस्टैब्लिश कर चुके हैं, सिंपली आप केस को ओपन करेंगे ये पेयरिंग मोड में आ जाएगा, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में लास्ट पेयर डिवाइस से कनेक्शन एस्टैब्लिश कर देगा, केस को आप कर देंगे फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में डिस्कनेक्शन भी हो जाएगा। इसका IWP फीचर सही तरीके से वर्क करता है और डुअल डिवाइस पेयरिंग का ऑप्शन नहीं है, एक टाइम पे आप एक ही डिवाइस से कनेक्ट कर सकते हैं। फीचर्स की बात करेंगे, इसमें आपको मिलेगा ब्लूटूथ वर्जन 5.3 लेटेस्ट, IPX5 वाटर एंड स्प्लैश रेजिस्टेंट फीचर, 13mm के आपको डायनेमिक ड्राइवर्स, SBC AAC कोडेक का सपोर्ट, इंस्टेंट वेक एंड पे टेक्नोलॉजी मिल जाएगी, कॉर्ड माइक्स का सेटअप विद एनवायरमेंटल नॉइज कैंसिलेशन फीचर, कॉम्बैक मोड गेमिंग मोड मिल जाएगा, 5 से 7 घंटे के बीच में आप बोल सकते हैं प्ले टाइम मिलेगा ऑन अ सिंगल चार्ज, और लगभग आप ईयरबड्स को 4 से 5 बार फुली चार्ज कर सकते हैं यूजिंग द चार्जिंग केस। फास्ट चार्जिंग का भी सपोर्ट दिया गया है, 10 मिनट आप केस को चार्ज करेंगे लगभग आपको 100 मिनट्स का प्ले टाइम मिल जाएगा विद दिस ईयरबड्स। प्राइस पॉइंट के हिसाब से फीचर बिल्कुल जस्टिफाई करते हैं। टच कंट्रोल्स की बात करेंगे, फुल टच कंट्रोल्स मिलेंगे, उनका हिसाब किताब ऐसा है, अगर आप किसी भी ईयरबड को सिंगल टैप करेंगे तो म्यूजिक प्ले होगा, फिर से सिंगल टैप करेंगे किसी भी ईयरबड को तो म्यूजिक पॉज होगा, राइट ईयरबड को डबल टैप करेंगे तो ये नेक्स्ट ट्रैक पे लेके जाएगा, लेफ्ट ईयरबड को अगर आप डबल टैप करेंगे तो ये प्रीवियस ट्रैक पे लेके जाएगा, राइट ईयरबड को अगर आप ट्रिपल टैप करेंगे तो वॉल्यूम इंक्रीज होगी, लेफ्ट ईयरबड को अगर आप ट्रिपल टैप करेंगे तो वॉल्यूम डिक्रीज होगी। और यहां पर अगर आप किसी भी ईयरबड को लॉन्ग प्रेस करते हैं 2 सेकंड्स के लिए, जो वॉइस असिस्टेंट फीचर है वो एक्टिवेट हो जाएगा, आप कमांड्स देके यूटिलाइज कर सकते हैं।
और किसी भी को यहाँ पे आप 4 बार टैप करेंगे, 4 टाइम्स टैप करेंगे तो ये कॉम्बैक मोड गेमिंग मोड में एंटर कर जाएगा। आपको कानों में प्रॉमिस सुनाई देगा कॉम्बैक मोड करके। इसे 4 बार टैप करेंगे किसी भी एयरबड को तो ये गेमिंग मोड से एग्जिट करके म्यूजिक मोड में आ जाएगा। किसी का कॉल आ रहा है एक्सेप्ट करने के लिए सिंगल टैप करेंगे किसी भी एयरबड को तो कॉल एक्सेप्ट हो जाएगा। चलती हुई कॉल को रिजेक्ट करने के लिए डबल टैप करेंगे किसी भी एयरबड को तो कॉल रिजेक्ट हो जाएगा। इनकमिंग कॉल को डायरेक्टली रिजेक्ट करने के लिए अगर आप डबल टैप कर देंगे किसी भी एयरबड को तो कॉल डायरेक्टली रिजेक्ट हो जाएगा। टच इस तरीके से आपको मिलने वाला है, सही तरीके से रिस्पॉन्सिव है और 45 मिलीसेकंड लेटेंसी क्लेम किया। हालांकि गेमिंग एयरबड्स मेरे हिसाब से 35 या 40 मिलीसेकंड लेटेंसी क्लेम करनी चाहिए थी। 45 मिलीसेकंड लेटेंसी क्लेम की है, कितनी जस्टिफाई करती है आप खुद ही देख लीजिए। गेमिंग काफी तो जस्टिफाई करती है, जो लेटेंसी क्लेम की है बिल्कुल जस्टिफाई करती है। अगर आप एसबीसी मोड में गेमिंग करेंगे बढ़िया आपको म्यूजिक एक्सपीरियंस मिल जाएगा। गेमिंग के टाइम पे भी इन और एक्सपीरियंस आपको सही मिलने वाला है। एनिमीज लेफ्ट से आ रही है राइट से आ रही है, स्टीरियो सेपरेशन भी आपको सही मिल जाएगा। डेफिनेटली इसको आप अच्छी गेमिंग के लिए ऑप्शन में रख सकते हैं। बात करेंगे अब साउंड क्वालिटी, बेस क्वालिटी और कॉल क्वालिटी की। 13 mm के डायनेमिक ड्राइवर्स है, बूम एक्स टेक्नोलॉजी यूज की गई है, एसबीसी एसी कोडेक का सपोर्ट है और भाई म्यूजिक और बेस लवर इसको आप डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हैं। इसके म्यूजिक और बेस को लेकर मैं पर्सनली काफी इंप्रेस हुआ हूं, लेकिन इसमें थोड़ा बहुत साउंड लीकेज इशू देखने को मिलेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया पैकिंग बहुत ज्यादा परफेक्ट नहीं है, मुझे ही बाहर की एक्टिविटीज पता चल रही थी तो बाहर वाले को साफ साफ है भाई अंदर की आवाजें पता चलेंगी। तो आप बोल सकते हैं 60% या 70% वॉल्यूम सब ऊपर जाएंगे, साइड में जो बैठा हुआ है बता देगा आप कानों में क्या सुन रहे हैं, इसको आप ध्यान में रखिएगा। लेकिन आउटपुट म्यूजिक बेस वोकल्स ट्रेबल्स जो बेस इफेक्ट्स हैं परफेक्ट आपको मिलने वाले हैं। लाउडनेस आपको बढ़िया मिल जाएगी, इंस्ट्रूमेंटल सेपरेशन क्लियर सुनाई देंगे, वोकल्स बिल्कुल प्रॉपर तरीके से फोकस रहेगा, अच्छे आपको प्रॉपर एडिकेट ट्रेबल्स मिल जाएंगे और बेस बूस्टेड आप बोल सकते हैं बेस लवर कानों में ऐसा लगेगा बिल्कुल प्रॉपर धम धम करने वाली फीलिंग आपको मिल जाएगी। इसको आप डेफिनेटली बढ़िया म्यूजिक बढ़िया बेस के लिए ऑप्शन में रख सकते हैं, उसको लेकर मैं पर्सनली काफी इंप्रेस हुआ हूँ। कॉलिंग की बात करेंगे, 4 माइक का सेटअप है, एनवायरमेंटल नॉइस कैंसिलेशन फीचर के साथ, DRS देखिए हमारा दीक्षा रिव्यू सिस्टम। हेलो, हाँ दीक्षा क्या कर रही हो? बस कुछ नहीं, अभी बस बेबी के साथ ही बैठी हुई थी। अच्छा फ्री है 2 मिनट? हाँ। अरे अभी मेरे पास ना बोल्ट ऑडियो ब्रांड की तरफ से बोल्ट ऑडियो एक्स्ट्रा एक ईयरबड लॉन्च हुए हैं, तो मैंने इनको परचेज किया हुआ है, इसका रिव्यू कर रहा हूँ। फिलहाल मैं इसका कॉलिंग टेस्ट कर रहा हूँ भाई, हमेशा रोड साइड कंडीशन में ऑफिस के बाहर जैसे खड़ा रहता हूँ। हाँ। तो मेरी आवाज तुम्हें कंपैरेटिवली कैसी आ रही है? ईयरबड से बातचीत कर रहा हूँ, आवाज तुम्हारी समझ में आ रही है? अच्छे समझ में आ रही है, ठीक है, लाउडनेस एडिकेट है, ठीक है, वॉइस तुम्हारी मतलब वोकल जो है मतलब ठीक ठाक क्लियर है। अच्छा, बाकी बैकग्राउंड नॉइस को लेके कोई दिक्कत, यहाँ से गाड़ी जा रही है उनकी आवाजें हल्की सी आ रही थी जब तक मतलब स्टार्टिंग में, अभी इतनी कोई आ नहीं रही है खास, मुझे पता नहीं चल रही है। तो मेरी आवाज पे कितना परसेंटेज फोकस बोल सकती हो? 80% 75 to 80% 75 to 80% फोकस है। हाँ ठीक है दीक्षा, थैंक यू। ओके हाँ बाय। कॉलिंग भी आपको काफी तो इंप्रेसिव मिलने वाली है, आउटर कंडीशन में भी काफी तक एक्ट्रीज कैंसिल कर देगा बैकग्राउंड की, आपके आवाज पे सही तरीके से फोकस रहेगा, इंडोर कंडीशन में ऐसा कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। रेटिंग्स कर लेते हैं फटाफट, साउंड क्वालिटी बेस क्वालिटी कॉल क्वालिटी और गेमिंग एक्सपीरियंस को रेटिंग करते हैं आउट ऑफ 10। तो मैं साउंड क्वालिटी दूंगा 9 out of 10, मैं बेस क्वालिटी को भी दूंगा 9 out of 10, मैं कॉल क्वालिटी दूंगा 8 out of 10 और मैं गेमिंग एक्सपीरियंस को दूंगा 9 out of 10। दीज आर द रेटिंग्स टू माई पर्सनल एक्सपीरियंस एंड डिपेंडिंग ऑन द प्राइस ऑफ दिस ईयरबड्स अप्रॉक्सिमेटली 1300 रुपए के आसपास है, बिल्कुल जस्टिफाई करता है इसका आउटपुट। आउटपुट से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, बढ़िया आपको म्यूजिक एक्सपीरियंस, पावरफुल आपको बेस एक्सपीरियंस, अच्छी आपको कॉलिंग, अच्छी आपको गेमिंग मिल जाएगी। बस जो हिंजेस दिए गए हैं यहाँ पे थोड़ा बहुत मेरे हिसाब से बेटरमेंट होना चाहिए इसके, थोड़ी बहुत बिल्ड क्वालिटी को लेके, और यहाँ पे 2 Type-C के पोर्ट क्यों दिए गए हैं अभी तक ये क्वेश्चन मार्क है, इसका यहाँ पे पता लगाया जा रहा है। बाकी इसको आप डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हैं, प्राइस पॉइंट के हिसाब से जस्टिफाई करता है मेरे हिसाब से, थम्स अप है। सारे के सारे लिंक्स दे दिए हैं डिस्क्रिप्शन में, आप चेकआउट करके ग्रैब कर सकते हैं। कुछ भी दिक्कत है, कुछ पूछना हो कमेंट सेक्शन में पूछिए, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू हेल्प आउट विद दैट। So this was all about the unboxing, reviews, ratings, calling test and gaming test of the recently launched Bolt Audio Astra Gaming True Wireless Earbuds. Hope you like this one, and as I told you, if you are new to our channel, kindly subscribe our channel, hit the like button, comment, share as much as possible so we can make more good stuff for you all. Thank you for watching this one and see you in the next video. Thank you.